दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इमेजिनेशन पर आधारित है, लाइक ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है और जब हम किसी काम को करते हैं तो उससे रिलेटेड थिंकिंग हमारी माइंड में ऑलरेडी स्टोर रहती है। ये थिंकिंग आखिर क्या चीज है? सरल शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं, आइए जानते हैं हम आज किस वीडियो से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क होता क्या है और कैसे काम करता है। तो दिमाग के कई हिस्से होते हैं और हर हिस्से का काम अलग अलग होता है, लाइक याददाश्त, चलने, बोलने, सोचने का काम अलग अलग हिस्सों से होता है। ये दिमाग पहले सिग्नल लेता है और फिर उसे उस हिस्से पर भेजता है जो दिमाग को रिएक्ट करने का आदेश देता हो और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी ऐसे रंग के बारे में सोचो जिसे आपने आज तक इस दुनिया में देखा ही ना हो, क्या वह नहीं सोच पाए? अच्छा, अब आप लाल रंग के बारे में सोचो। हाँ, तो इस बार आपने एक ही पल में लाल रंग के बारे में सोच लिया होगा। हमारी ब्रेन की एक खासियत है, ये वही सब सोच सकता है जो हमने आज तक इस दुनिया में देखा और सुना हो। जिस चीज को आपने इस दुनिया में कभी देखा ही नहीं, उस चीज को भला आप कैसे सोच सकते हैं? अब आप यही कहोगे कि साइंटिस्ट जब किसी नई चीज की खोज करते हैं, लाइक फोन बनाने वाले ने जब सबसे पहले फोन बनाया होगा, तब उसके दिमाग में वो विचार कहां से आए? चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखा जाए तो फिजिक्स में ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जाने जाते हैं, तो इनके दिमाग में ये यूनिक आइडियाज कहां से आए? क्या उनका ब्रेन हमारी ब्रेन से ज्यादा पावरफुल था? तो ऐसा कुछ भी नहीं था। निकोला टेस्ला ने ये बात खुद बताई है कि जब किसी ऐसी चीज के बारे में इमेजिन करते हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, तो इस प्रकार के यूनिक आइडियाज हमें स्पेस यानी अंतरिक्ष से मिलते हैं। इस बारे में निकोला टेस्ला ही नहीं बल्कि और भी कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उन्हें भी इस ब्रह्मांड में इमेजिन करने से किसी अदृश्य शक्ति से विचार मिलते थे। रिसर्च में ये देखा गया है कि एक नॉर्मल इंसान के मन में 24 घंटे में करीब 60,000 विचार चलते रहते हैं। वहीं पर अगर किसी पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की बात करें तो उनके दिमाग में कितने विचार चलते हैं, इसका आंसर तो शायद साइंस के पास भी नहीं है।